हाय गाइज, वेलकम बैक टू रोशनी रोश यूट्यूब चैनल। हाउ आर यू ऑल, होप यू डूइंग ग्रेट। सो गाइज, मेरे आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ करने वाली हूँ कंपैरिजन वीडियो। सो बेसिकली मैं ब्लू हेवन एंड स्टे क्वर्की का प्राइमर, दोनों प्राइमर का जो है रिव्यू करने वाली हूँ। और यू कैन सी इसका भी जो है इंडिविजुअल रिव्यू आप मेरे चैनल पे चेक कर सकते हैं एंड इसका भी। सो मैंने दोनों का जो है रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर किया है। सो आज बेसिकली बात करने वाले हैं एवरीथिंग, कंपेयर करेंगे कि कौन सा जो है सबसे ज़्यादा अच्छा है। तो ओके, सो ये है स्टे क्वर्की प्राइमर और ये आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ popper.com पे, क्योंकि अगर आप अलग जगह जो है सर्च करोगे तो आपको ये कहीं नहीं मिलेगा। सेकेंड है ब्लू हेवन का प्राइमर और ये आपको हर जगह मिलेगा, ऑनलाइन ऑफलाइन आपके लोकल मार्केट में, लोकल स्टोर पे, एवरीवेयर आपको ये मिल जाएगा जो है इजी। आप बहुत इजीली इसे फाइंड आउट कर सकते हो और आप इसे अपने लोकल स्टोर से परचेज कर सकते हो, बट इसे आपको जो है ऑनलाइन ही परचेज करना है। सो ये इस क्वालिटी में तो ये जो है पीछे रह गया, कोई नहीं। अब बात करते हैं इसकी प्रोडक्ट क्वांटिटी की। सो इसकी जो प्रोडक्ट क्वांटिटी है वो है 30 ग्राम एंड ब्लू हेवन की जो प्रोडक्ट क्वांटिटी है वो है 30 ग्राम्स और जो स्टे क्वर्की का जो प्राइमर है इसकी जो है प्रोडक्ट क्वांटिटी है 27 ग्राम। यानी कि जो प्रोडक्ट क्वांटिटी में भी ये जो है पीछे रह गया, क्योंकि इसकी प्रोडक्ट क्वांटिटी ज़्यादा है, इसकी जो है 27 ग्राम है, यानी कि 30 ग्राम से कम है। सो इसमें भी जो है ये पीछे रह गया, कोई बात नहीं। पैकेजिंग जो है दोनों की लगभग सेम है, यू कैन सी ये जो प्राइमर है इसका जो है सिल्वर कलर की कैप के साथ आता है एंड ये जो है ये भी कुछ सिल्वर तरीके से लगा हुआ है एंड दोनों को जो है सेम तरीके से ओपन करना है। सो पैकेजिंग इज सेम। नेक्स्ट जो है ये ब्लू हेवन का प्राइमर जो है ये बोलता है कि सो परफेक्ट मेकअप बेस स्टूडियो परफेक्शन ऑयल फ्री नॉन ग्रीसी प्राइमर। सो ये सही जो है आपको सही बोलता है। एंड स्टे क्वर्की का जो प्राइमर है ये भी बोलता है वाटर रेजिस्टेंट है, ब्लेंड एफर्टलेस है एंड लाइट वेट है। सो यहाँ पे जो सारी चीज़ें भी इनकी इंग्रेडिएंट्स वगैरह भी जो है इन्होंने मेंशन कर रखी है। सो दोनों जो है सेम वर्क करते हैं एंड सेम दोनों का जो फॉर्मूला है वो सेम है। सो मैं आपको दिखा दूँ, ये भी जो है वाटर यू कैन सी ये है स्टे ओके सो ये है ब्लू हेवन का प्राइमर एंड मैं आपको दिखाती हूँ स्टे क्वर्की का प्राइमर भी। सो आप देख सकते हैं ये है स्टे क्वर्की का प्राइमर। सो ये जो है स्टे क्वर्की का प्राइमर है और ये जो है ब्लू हेवन का प्राइमर है। तो बेसिकली ये जो मैंने मिक्स किया है ये ब्लू हेवन का जो है प्राइमर है एंड ये जो है यू कैन सी ये जो है स्टे क्वर्की का प्राइमर है। तो दोनों जो है सेम लगे मुझे, इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों सेम है। सो इसमें जो है दोनों को थम्स अप देते हैं। ना नेक्स्ट जो हम बात करें इसके प्राइस की, तो इसका जो प्राइस है ये आपको 300 रुपीज़ का मिलेगा, बट अगर आप इसे किसी लोकल स्टोर वगैरह में परचेज करते हो तो आपको ऑलवेज जो है 200, 250 और 240 इसके अप्रॉक्स मिल जाएगा और अमेजोन पे भी आपको ये 250 समथिंग का मिल जाएगा, बट इसका जो प्राइस है वो है 449 रुपीज़। तो ये आपको जो है 449 में मिलेगा popper.com पे। अगर आपको ये ऑफर में मिलता है तो आपको डेफिनेटली परचेज चाहिए, बट अगर आपको सेम चीजें चाहिए और आप बिगिनर हो या फिर अगर आप बहुत ज्यादा हाई रेंज के भी प्राइमर्स आते हैं, बट अगर आप नहीं चाहते बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना तो आई थिंक आप इसे परचेस कर सकते हो। बट अगर ये आपको 50% और 40% ऑफ में मिलता है तो आप इसे भी ले सकते हो। दोनों जो है सेम प्राइमर है, सेम तरीके से वर्क करते हैं, बट जो है क्वांटिटी में भी फर्क है, 27 ग्राम है, 30 ग्राम है। तो दोनों जो है अच्छे हैं, दोनों जो है बहुत इजीली ब्लेंड हो जाते हैं, बहुत लाइट वेट फॉर्मूला है, इसका भी जो है बहुत लाइट वेट फॉर्मूला है एंड ये आपकी जो है मेकअप को बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। ऑब्वियसली ये भी बहुत ज़्यादा जो है लॉन्ग लास्टिंग बनाता है आपके मेकअप को। सो गाइस, बात करें इनकी शेल्फ लाइफ की, तो ये इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो है 2 ईयर्स एंड इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो है 3 ईयर्स। यानी कि ब्लू हेवन फिर से जो है
नंबर वन हो गया. तो गाइस ब्लू हेवन के प्रोडक्ट जो है बिल्कुल खराब नहीं आते हैं, बल्कि बहुत अच्छे आते हैं और इनके बहुत सारे आइटम जो हैं आपको मिल जाएंगे इजीली. सो आप जो है इसे परचेज कर सकते हो. ये सिर्फ जो है आपको popper.com पे मिलता है एंड इसके भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट आते हैं और काफ़ी सारे प्रोडक्ट के रिव्यू मैंने अपने चैनल पे किए हुए हैं. सो अगर आपको नहीं पता प्राइमर क्यों यूज़ करना चाहिए और प्राइमर यूज़ करने से क्या होता है, सो मैं आपको बता दूँ. प्राइमर हमें इसलिए यूज़ करना चाहिए, अगर आप मेकअप करते हो सो आपको पता है, अगर आप चाहते हो कि आपकी स्किन हार्म ना हो, लाइक बहुत सारे लोग बोलते हैं मेकअप करने से स्किन ख़राब हो जाती है, बट अगर आप प्राइमर यूज़ करते हो तो आपकी स्किन को जो है कोई भी हार्म नहीं होता है. और यहाँ पे जो है आपके ओपन पोर्स हो जाते हैं बहुत सारे लोगों के, जो यहाँ लाइक बहुत सारी जगहों पर जो है ओपन पोर्स होते हैं, बेसिकली ओपन पोर्स यहाँ पर हो जाते हैं. अगर आप प्राइमर यूज़ कर लेते हो तो आपकी स्किन सेफ हो जाती है, जो है आपका मेकअप लाइक जो भी आपका बेस है फाउंडेशन बहुत ही ईजिली आपके लाइक आपके फेस पे अप्लाई हो जाता है, बहुत ही ईजिली जो है ईजिली लग जाता है आपके फेस पे. एंड प्लस जो है बहुत ही अच्छा लुक आता है, बहुत ही फ्लॉलेस लुक आता है. अगर आप प्राइमर यूज़ नहीं करते हो तो बहुत ज़्यादा केकी दिखता है, पैचेस दिखते हैं और जो है यहाँ पे जो है लाइक छे सा दिखता है. अगर आप चाहते हो फ्लॉलेस लुक तो आपको जो है प्राइमर यूज़ करना चाहिए, और अगर आप चाहते हो मेकअप से आपकी स्किन ख़राब ना हो तो भी आपको प्राइमर यूज़ करना चाहिए. सो प्राइमर यूज़ करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है. सो आपको जो है प्राइमर कभी भी अपने मेकअप से स्किप नहीं करना चाहिए गाइस. और अगर आप ऐसे करते हो तो आपकी स्किन, चाहे आप कितना भी मेकअप करो, आपकी स्किन जो है बिल्कुल ख़राब नहीं होगी. और मेकअप लाइक प्राइमर लगाने का एक और फ़ायदा होता है कि अगर आप जो है अपने ओपन पोर्स के आसपास जो है प्राइमर लगा लेते हो तो आपके ओपन पोर्स बहुत अच्छे से फिल हो जाते हैं और उसमें हमारा मेकअप नहीं जाता. बट अगर आप प्राइमर नहीं लगाते हो और आपके ओपन पोर्स में जो है मेकअप चला जाता है डायरेक्ट मेकअप अप्लाई करने से, तो आपकी स्किन पर पिम्पल्स और जो है बहुत ही लाइक स्किन ख़राब हो जाती है. सो आपको प्राइमर ज़रूर यूज़ करना चाहिए गाइस. सो बेसिकली प्राइमर का ये काम होता है, कम लाइक सस्ते में बहुत अच्छा है. और ये जो है 150 महंगा है, लाइक 140 150 समथिंग महंगा है. सो अगर आप नहीं चाहते इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करना तो आप इसे बहुत ही इजीली ख़रीद सकते हो गाइस, और ये बहुत अच्छा है. ओवरऑल दोनों ही अच्छे हैं, बट ये जो है इसके ज़्यादा पॉइंट्स बन गए हैं इसलिए जो है ये नंबर वन हो गया है. एंड सेकेंड नंबर पर जो है ये आ जाता है. सो आप दोनों में से कोई सा भी परचेस कर सकते हो गाइस. इसका जो है रिव्यू और प्लस डेमो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है. सो अगर आपने उसे नहीं देखा है तो ज़रूर चेकआउट करना. करती हूँ गाइस ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा हो. अगर यस देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. मिलते हैं एक अनदर वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय.